अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? वेरी गुड। आज का लेसन स्टार्ट करें। आज का लेसन है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट कहते हैं जब किसी भी चीज़, इंसान या किसी भी चीज़ को एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना। और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है कि ट्रांसपोर्ट करने के तरीके या वो क्या चीज़ें हैं जिनसे आप ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ को। अब हम चीज़ों को कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? हम हवा से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ज़मीन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं और पानी के ऊपर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी ज़मीन के ऊपर ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट होता है यानी ज़मीन के ऊपर जब एक चीज़ को दूसरी जगह पर लेके जाएं तो वो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारे पास देखते हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है ट्रेन। ट्रेन पे जो है एक जगह से दूसरी जगह लोग भी जाते हैं, सामान भी जाता है, जानवरों को भी लेके जाया जाता है। तो ये हमारा पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट का। दूसरा है कार, गाड़ी। गाड़ी भी जो ज़मीन पे चलती है और चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हो सकती है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है मोटरसाइकिल। बाइसिकल, बाइसिकल होती है साइकिल, उर्दू में इसको साइकिल बोलते हैं। ये भी ज़मीन पे चल के एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ को ले जाती है। रिक्शा, रिक्शा भी जो है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट का लास्ट आ गया बस। बस में भी लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ये भी हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास आ गया एयर ट्रांसपोर्ट, यानी हवा में एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे चीज़ लेके जाया जाता है। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट में सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन में लोग बैठ के जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, और उर्दू में एरोप्लेन को जहाज़ बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मोड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट क्या है। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जो है वो जहाज़ वाला ही काम करता है, लेकिन इसमें कम लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, लेकिन कम लोगों को लेके जाता है, ये छोटा होता है एरोप्लेन से। नेक्स्ट है हमारे पास हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून में भी लोग, ये जो छोटी सी बास्केट लगी हुई है ना बलून के नीचे, ये वाली, इसमें बैठ के ऊपर तक जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ समझ आ गया आपको। और इसके बाद है पैराशूट। जब लोग हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से या बहुत ही किसी ऊंची जगह से जंप लगाते हैं तो पैराशूट खुल जाती है और फिर वो आराम से नीचे आ जाते हैं। तो इसको भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए या लोगों को किसी जगह पे उतारने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैराशूट। नेक्स्ट हमारे पास है पैराशूट के बाद वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पानी के ऊपर हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़ यूज़ होगी, पानी पे इस्तेमाल होगी? वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बताया, बोट। तो सबसे पहले ये आ गई हमारे पास बोट। कश्ती में लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और सामान को भी और चीज़ों को भी दूसरी जगह ले जाते हैं। और नेक्स्ट बोट के बाद क्या होगी, वो भी पानी में चलती है चीज़, सोच के बताएंगे? शिप। शिप जो है वो बहुत ज़्यादा सारा सामान और बहुत ज़्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, और ये एक वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब आपने अच्छे से गो थ्रू करना है पूरी वीडियो से, ठीक है, अपने घर के किसी बड़े के साथ मिलके इन चीज़ों के नाम याद करने हैं कि कौन सी ट्रांसपोर्ट कहाँ यूज़ होती है। और मैं आपको नेक्स्ट लेसन में मिलूँगी। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।